हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीत कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस ए की का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी की का यूज़ हम कॉपी करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी की का यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के लिए होता है। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ की का यूज़ हम फाइंड के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस जी गो टू। कंट्रोल प्लस आई, आई से हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे की का यूज़ हम किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस के की से हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड मूव करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एम हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ से हम किसी अदर डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी का यूज़ हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू की का यूज़ हम किसी पैराग्राफ में स्पेसिंग के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस आर की का यूज़ हम कंट्रोल प्लस टी का यूज़ हम लेफ्ट इंडेंट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस यू की का यूज़ हम अंडरलाइन के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से हम कट कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल प्लस वाई से जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है हम उसे सेलेक्ट करके रिपीट कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस जेड से हम अपने कट किए हुए डॉक्यूमेंट को वापस ला सकते हैं। तो आगे हम सीखेंगे फ्रेंड्स अपने प्रैक्टिकल सेशन में। आज के हम प्रैक्टिकल सेशन में सीखेंगे कि शॉर्टकट की का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम वर्ड की फाइल ओपन करेंगे। विंडो प्लस आर एंड एंटर एंड एंटर। तो फ्रेंड्स हमारी वर्ड की फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें एक पैराग्राफ टाइप करेंगे। इक्वल टू आर ए एन डी, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा एक पैराग्राफ टाइप हो चुका है। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे कि कंट्रोल ए की का यूज़ क्या होता है। कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को देख। और फ्रेंड कंट्रोल बी की का यूज़ हम बोल्ड करने के लिए करते हैं। पहले हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस बी, देन बोल्ड हो जाएगा वो। कंट्रोल सी की का यूज़ हम कॉपी करने के लिए करते हैं। जैसे अभी हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इसे कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस सी से हम इसे कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट शीट पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी से फ्रेंड्स कॉपी हो जाता है और कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट करने के लिए नेक्स्ट शीट लेंगे। नेक्स्ट शीट के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। नेक्स्ट शीट आ चुकी है फ्रेंड्स हमारी। और फ्रेंड जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था हम उसे कंट्रोल वी की हेल्प से इस पर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एफ़ की का यूज़ हम किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में हमें फाइंड करना है वीडियो, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ़ और अब हम सर्च करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, कंट्रोल आई से फ्रेंड इटैलिक हो जाती है लैंग्वेज। इटैलिक करने के लिए हम सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, उसके बाद हम कंट्रोल प्लस आई करेंगे। देखो फ्रेंड्स इटैलिक हो गई अभी लैंग्वेज। फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस जे की का हम यूज़ जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया हमने, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हाइपरलिंक लगाने के लिए हम सबसे पहले किसी भी लाइन के एंड में जाएंगे। जैसे हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स के यहाँ आगे, फिर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में फ्रेंड्स ये हाइपरलिंक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे। देन आफ्टर हम कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने किया ये फाइल, और देन आफ्टर हम करेंगे ओके।
देखो फ्रेंड हाइपरलिंक लग चुका है। कंट्रोल प्लस एल से फ्रेंड हम लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट का यूज़ हम किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड या लेफ्ट साइड रिमूव करने के लिए करते हैं। फ्रेंड शॉर्टकट की एम का यूज़ हैंगिंग इंडेंट के लिए किया जाता है और कंट्रोल प्लस एन से हम किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन, देखो न्यू पेज ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ हम किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ओ, ये देखो यहाँ से हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस पी से हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया हमने तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट के फॉर्मेट में आ चुका है। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ हम किसी भी पैराग्राफ में स्पेसिंग के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस एस से फ्रेंड्स हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस। हमें ये फाइल अपने डेस्कटॉप पे चाहिए या डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, जहाँ भी चाहिए वहाँ हम इसे रख सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी का यूज़ फ्रेंड लेफ्ट इंडेंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस यू का यूज़ अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। हमें जैसी भी अंडरलाइन चाहिए हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से फ्रेंड हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से फ्रेंड हम किसी भी पैराग्राफ को कट कर सकते हैं, देखो कंट्रोल प्लस एक्स पैराग्राफ कट हो गया। और कंट्रोल जेड से हम उसे दोबारा रिपीट लेके आ सकते हैं। कंट्रोल वाई से फ्रेंड हम पैराग्राफ को रिपीट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर कंट्रोल वाई से रिपीट। थैंक यू फ्रेंड्स।